हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज है सैटरडे नाइट, सुबह ईस्टर है, सब जानते हैं। और चर्च के लिए मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये सूट पहनकर जा रही हूँ चर्च। और ये जाहिर ने मुझे वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट दिया था, जो कि मैंने ईस्टर के लिए स्टिच करवाया। और इसका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है, इसका दुपट्टा डार्क कलर का है, पूरा सूट लाइट कलर का है। तो ये मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज पहनूंगी, ईस्टर नाइट को चर्च पहन कर जाऊँगी। और बच्चों के लिए मैं शर्ट्स प्रेस कर रही हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे क्या पहन रहे हैं, जाहिद पहन रहे हैं ब्लैक शलवार कमीज़, एज़ यूजुअल जाहिद को ये पसंद है। तो बस मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तो 12 बज चुके हैं और 1 बजे का टाइम है चर्च का। तो बस मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और फिर चर्च जाते वक्त आपसे हेलो हाय कर निकलेंगे, फिर वीडियो का एंड चर्च से वापस आकर करेंगे। सो आज के दिन के लिए मेरी सबसे ये मैसेज है आज के दिन का, कि आप सब किसी के साथ भी अगर आपकी नाराज़गी है या कोई भी इश्यूज हैं, तो आज के दिन आप उन इश्यूज़ को ख़त्म कर एक दूसरे के साथ सुलह करें। क्योंकि ये ईद के जो दिन होते हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी में बड़े मुश्किल से आते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं है। सो एक दूसरे के साथ सुलह करें, प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारें। और ख़ास तौर पर ये दिन साल के बाद आते हैं, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, ईस्टर हो या फिर ईद हो, कुछ भी हो। सो हमें इन दिनों को अहमियत देनी चाहिए, चर्च जाना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और स्पेशली जिन लोगों के साथ भी हमारी नाराज़गी हो, उनके साथ हमें सारे गिले शिकवे ख़त्म करके सुलह करनी चाहिए। मेरा तो सबके लिए यही पैगाम है और मेरी कोशिश भी ये होती है कि ऐसा कोई इंसान जिसे अपनी गलती का एहसास हो और अगर वो आपसे सॉरी करे, तो आपको उसे माफ़ी देनी चाहिए। और अगर कोई रियलाइज़ नहीं भी करता और आप चाहते हो कि आप अपना दिल साफ़ कर और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर करें। क्योंकि ईद जो है वो बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जब भी कोई त्यौहार होता है, स्पेशली न्यू ईयर क्रिसमस के दौरान, तो बहुत सारी अमवात होती हैं। और खुदा का शुक्र करना चाहिए कि खुदा हमें ईद देखना नसीब करता है और हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दी हुई हैं, इतनी नेमतें दी हुई हैं। तो उन सारी नेमतों के लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना है। सो मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ बस, और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। इसीलिए मैंने ब्लेस्ड फ्राइडे का भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि इबादत होती है, कपड़े प्रेस करना, बच्चों को रेडी करना, तो फिर बहुत मुश्किल होती है। सो बस रेडी होकर फिर आपसे मिलते हैं। और जाइन साहब नीचे अपने दादी दादा को तंग कर रहे हैं और हनिया भी टीवी देख रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है और सुबह ईस्टर का दिन है। तो सुबह का दिन ज़रूर कोशिश करूँगी कि वीडियो आपके साथ शेयर करूँ कि ईस्टर का दिन हमारा कैसा रहा। सो अब मैं चर्च के लिए मेरे कपड़े अभी डन नहीं हुए, कपड़े प्रेस कर रही हूँ। बस मेरे कपड़े तो प्रेस हो गए, जाहिर के पहले से मैंने प्रेस करके रखे थे, तो बस बच्चों के कपड़े प्रेस करूँगी अभी। सो तो मैं रेडी होकर आपसे बात करती हूँ। तो व्यूअर्स, आई एम रेडी और आप बताने कैसी लग रही हूँ। और चर्च जाने का टाइम हो चुका है और कोशिश है कि मम्मा के घर से होकर फिर चर्च जाए। सो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आप हमारे साथ रहें, देखते रहें और हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैप्पी ईस्टर। चलो दादा को भी मिलो अब, चलो ईस्टर मम्मा। हम घर आ गए हैं, हैप्पी ईस्टर। चलो दादो को भी मिलो। अभी देखो हनी भाई कितना अच्छा मिल रहा है अम्मी से, आप भी मिलो भाई। गिराना नहीं भाई, इतना सख्ती से मिल। और अभी के काम आप देखिए, ईस्टर वाले दिन भी है, खट्टू का ईस्टर मिल रहा है, खट्टू का अंदर हिला दिए। खट्टू हनु नानू को भी मिलो। और ये अभी नहीं, किसी से भी मिलना बोलो। हैप्पी ईस्टर। यस व्यूअर्स, हम चर्च से घर आ चुके हैं और हैप्पी ईस्टर तमाम देखने वालों को। टाइम हो रहा है 4:30, मैं आपको दिखाती हूँ।
तो 4:30 हो चुके हैं और हम चर्च से आ चुके हैं और पाक मास बहुत अच्छी हुई आज। फादर जी ने बहुत अच्छा कलाम किया, बहुत बहुत इंजॉय किया आज इबादत को, बहुत मज़ा आया और आज बहुत अच्छा कलाम था। फादर जी ने बहुत अच्छा कलाम किया आज, कलाम था नाउमीदी पे, और जैसे लोग नाउमीद हो जाते तो नाउमीद नहीं होना चाहिए, और क्योंकि जब खुदा इंसान के साथ है तो उसे नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐप दर शर्ट से आ गए कपड़े चेंज कपड़े चेंज करने के लिए, अभी ने कस्ट टी शर्ट उतारी है और ये अभी नंगू हो रहा है अभी, और अभी आप हैवी ईस्टर बोलो ना, अभी हमेशा एंग्री बर्ड की जैसे शक्ल बना के बोलते हैप्पी ईस्टर। अल्लाह इतना डराना है, अभी ने बहुत गंदा हैप्पी ईस्टर बोला, तो आपने मेरे हैप्पी ईस्टर का ज़रूर जवाब देना है। हैप्पी ईस्टर। सो छोटी सी वीडियो थी आज, प्लान्स तो बहुत थे कि अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे, नाश्ता करने जाएंगे, लेकिन रमज़ान होने की वजह से सहरी का टाइम हो चुका है बंद, तो इसीलिए कोई जगह नहीं खुली होगी कि जहाँ हम नाश्ता करने के लिए जा सकें। सो इसीलिए हम घर आ गए हैं और सोने की तैयारी करने लगे। जाइन साहब सो रहे हैं, ये जाइन सो गए हैं, और एबनर को भूख लग रही है क्योंकि हमने खाना खाया था 10:30 बजे और अब 4:30 हो रहे हैं, तो एबनर को भूख लग गई। अब देखते हैं खाने का क्या प्लान करते हैं, क्या खाते हैं। सो आज का व्लॉग आपने बताना आपको कैसा लगा है, और क्रिसमस की खुशियाँ आ गई हैं, सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और सुबह मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। मम्मा जी डांटती भी है, ये मेरे व्यूअर्स को एबनर बता रहे हैं कि मम्मा जी डांटती भी है और बार बार मारती भी है, कुछ भी नहीं हम करते, बार बार मारती भी है। ठीक है जी, मम्मा जी की कंप्लेन होगी व्यूअर्स को, आपने कंप्लेन की है मेरी। ओके जी, एबनर की बातें बहुत मजे की होती हैं और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि एबनर के साथ वीडियो बनाऊँ, मगर पॉसिबल नहीं हो पाता। चलिए जी, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं सुबह नई वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।